कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। ये सब तो आप जानते हैं कि 5 अगस्त से क्या हुआ हमारे साथ में। 370-35A इनको खटकता था हमेशा से, और इन्होंने एकदम से उसे खत्म कर डाला, जो कि हमारा बुनियादी हक है। ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने उठा के ऐसे दे दी थी। बड़े बड़े लीडर थे, खुद महात्मा गांधी इस चीज के साथ में थे, बड़े पंडित नेहरू जी थे, बाकी सारे थे, सब ने ये सारा मिलके हमारे ये हक हमको मिला, और इसको इन्होंने खत्म कर दिया सिर्फ एक रात में बैठे बिठाए, जिसका नुकसान हम लोगों को तो है ही, हम तो हैं ही इसके नुकसान में, पूरे हिंदुस्तान को हुआ, और अब मुझे लगता है कि पूरी तबाही इसी की वजह से आ रही है, जो कि चाइना ने खुद भी कहा है कि ये सब 370 के हटाने की वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने हमारी टेरिटरी भी साथ में निगल ली, जो कि बेसिकली असल में हमारी जायदाद है। लद्दाख हमारा है, वहाँ की सारी जमीन हमारी है, लेकिन इनकी गलत कानूनी हरकतें जो इन्होंने की, गलत कानून बनाए यहाँ पे, उसकी वजह से ये सारी मुश्किल आ गई। और इन सब बातों का जायजा लेने के लिए आज हम लोगों ने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कोशिश की कि नहीं, हम लोग आपस में मिल के बैठे ताकि ये सब बात आगे को भी चले। ये तो सब दुश्मनों की फैलाई हुई बातें हैं, वरना ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कश्मीर में है जो ये पूरी तरह नहीं समझ गया है कि गुपकार डिक्लेरेशन ही सही बात है। जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये नहीं है सिर्फ श्रीनगर की बात या कश्मीर की बात, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक जबान होके कह रहे हैं, जो गुपकार डिक्लेरेशन में बात हुई उसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब ये चंद एक लोग हैं, जरखरीद लोग हैं, जो इन बातों को आगे फैलाते हैं, वरना यहाँ के पूरी रियासत के अवाम इसके साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।